नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। और डेटिंग ऐप को अगर आप भी एक्सप्लोर करते हैं तो ये खबर यकीनन आपके लिए है। आपको चीन और पाकिस्तान से बहुत बड़ा वाला चूना लग सकता है। कैसे, ये मैं इस खबर में आपको बताऊंगी और आप पूरी वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो आप इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जो डेटिंग ऐप की मैंने आपसे बात की है, ये एक तरह से अलर्ट करने वाली खबर है। मध्य प्रदेश और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अमीर भारतीय व्यापारियों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के लोग भारतीय करोड़पतियों को डेटिंग ऐप्स के जरिए रोमांस के जाल में फंसा कर ठगते थे। यानी कि रोमांस का एक बहुत बड़ा जाल जो है वो हमारे मोबाइल में है, हमारे लैपटॉप में है। हम कहीं भी उस जाल में फंस करके अपना करोड़ रुपया गवा सकते हैं। और इस गैंग ने भोपाल के एक युवक कारोबारी को अपना निशाना बनाते हुए उससे लगभग 1 करोड़ रुपए ठग लिए। इसी तरह 2 अन्य भारतीय व्यापारियों से 75 लाख की ठगी हो गई और अन्य भारतीयों से 75 लाख रुपए की ठगी भी की गई। इनमें से एक व्यापारी इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस रैकेट के तार पाकिस्तान और चीन से जुड़े हुए हैं। भोपाल के कारोबारी की शिकायत पर एमपी साइबर सेल ने एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू की, जिसमें काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने कार्रवाई करते हुए गुजरात, दिल्ली और गुड़गांव से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और उनसे पूछताछ के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गैंग को पाकिस्तान और चीन से कंट्रोल किया जा रहा था। गैंग में शामिल भारतीय उनका साथ दे रहे थे, जो कि बहुत ही अफसोसजनक बात है। मध्य प्रदेश साइबर ने भोपाल के युवा कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी होने की पुष्टि भी की है। और उन्होंने जांच के आधार पर ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय रैकेट भारतीय नागरिकों के नाम पर फर्जी कंपनियां चलाता है और ठगी गई रकम इन कंपनियों के खाते में डलवा करके क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान भिजवाता है। चूंकि गैंग के तार पाकिस्तान के रावलपिंडी और पलंदरी शहर से जुड़े हुए हैं, इसलिए केंद्रीय और खुफिया एजेंसियां भी इस मामले की जांच से जुड़ चुकी हैं। तेजी से जांच हो रही है और इस रैकेट का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। इसमें चीनी और पाकिस्तानी नागरिकों के अलावा रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट और कारोबारी शामिल हैं। गैंग ने लगभग 50 करोड़ रुपए की ठगी की है और इस गैंग में कम से कम 6 लोग अभी भी फरार हैं। इनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है और पुलिस ने इन आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम रखा है। लगातार इनकी तलाश की जा रही है। मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग ठगी कैसे करते थे। डोरिस और सू योन पाक नाम की महिलाएं बम्बल और टिंडर पर डेटिंग ऐप के जरिए कारोबारियों से पहले दोस्ती करती थी। वे उनसे लगातार बातचीत करती रहती थी। डोरिस ने भोपाल के व्यापारी से वाइन और मसालों के व्यापार के बारे में बातचीत शुरू की और जैसा कि उन्होंने बताया पुलिस को, कारोबार के बहाने महिला ने मई 2021 के बीच व्यापारी से करीब करीब 98 लाख रुपए ऐंठ लिए। वहीं दिल्ली के व्यापारी को निवेश के बदले में मुनाफे का झांसा दिया। इस पूरे रैकेट में शामिल कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं। गुड़गांव का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एविक केडिया फर्जी फर्म को पंजीकृत करा के बैंक में खाता खुलवाता था और वो उनकी जानकारी संदिग्ध चीनी नागरिकों को उपलब्ध कराता था। वहीं दिल्ली में कंपनी का सेक्रेटरी बनकर डॉली मखीजा परिचितों के नाम पर फर्म बनवाता था और चालू खाता खुलवा करके ठगी की रकम जो है ऊपर के लोगों तक पहुंचाता था। इसके अलावा गुजरात से धरा गया एक आरोपी दिलीप पटेल फर्जी मेल बनाता था और पैसे को क्रिप्टो में ट्रांसफर कराने का काम कराता था। दिल्ली का एक और आरोपी विक्की मखीजा फर्मों को बेच करके पैसा हासिल करता था। पुलिस ने जिन बैंक खातों का पता लगाया है उनमें 2 महीने के भीतर 20 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा लेन देन का आंकड़ा है। ये कंपनियां देश से अलग अलग हिस्सों से थी और
पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाता था। दोस्तों ये आपने देखा कि पूरा ये जो कारोबार है डेटिंग ऐप के जरिए चल रहा है, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। यहाँ हमने बात की है कि इसमें चीन और पाकिस्तान के कुछ लोग मिले हुए हैं, लेकिन अपने देश के भी कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए ये ठगी का कारोबार चल रहा है। फिलहाल इतना ही, और फिर मिलती हूँ किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।